खोडल में नेशनल हाईवे 19 पर मुड़कटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत हर साल की भांति इस साल भी विशाल दंगल का आयोजन किया गया है। इस दंगल में मुख्य अतिथि के तौर पर किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे और विशिष्ट अतिथि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह मौजूद रहे। ये दंगल 45 वर्षों से लगता आ रहा है और लगातार जारी है। इस दंगल में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और पंजाब के पहलवानों ने हिस्सा लिया और अपना दमखम दिखाया। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पहलवानों से हाथ मिलवाकर दंगल शुरू करवाया। इस दंगल की आखिरी कुश्ती 51,000 रुपए की रही। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत दंगल के बीच में पहुंचकर जनता से मिले और सभी का धन्यवाद किया। टिकैत ने कहा कि कुश्ती ग्रामीण खेल है, पहले इसी तरह से योद्धा तैयार किए जाते थे और खापों के भी पहलवान होते थे, लेकिन कुश्ती लड़ने वाले पहलवानों को सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है, जिस वजह से गांवों से ये खेल लुप्त होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि गांवों में खेल स्टेडियम होने चाहिए और खिलाड़ियों को नौकरी भी मिलनी चाहिए ताकि खिलाड़ियों का उत्साह बढ़े और युवाओं का खेल के प्रति रुझान। देखो, ये गांव का नेचुरल खेल है, नीचे मल युद्ध है, इसी से ही जो लड़ाइयां लड़ी गई, इन्हीं से ही फिर योद्धा तैयार होते थे और धीरे धीरे खेल में परिवर्तन हुआ। नहीं तो पहले तो ये योद्धा तैयार होते थे और गांव गांव में अखाड़े चलते थे। ये पुरानी परंपरा है, इसमें ना कोई खर्चा है, यहाँ खेल के मैदान में कोई खर्चा इसमें नहीं है और बिल्कुल जो दर्शक है वे भी मिट्टी में ही बैठे हुए हैं, वे भी एक किस्म से युद्ध लड़ रहे हैं। और पहले खापी पंचायत वो दंगल होते थे, एक खाप का पहलवान दूसरे से नहीं लड़ता था, अब तो खड़े बंदी हैं, सब लड़ते हैं, अब तो वेट वाला सिस्टम आ गया, लेकिन पहले इस तरह की परंपरा नहीं थी। हमारी पुरानी परंपरा है, ये कई खेल इस तरह के हैं जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से खेलते हैं और ये बड़ा दंगल आज यहाँ पे देखने को मिला। इन सबका धन्यवाद। साहब, एक छोटा सा सवाल सर, ये बताएं कि जिस तरह से आप ये खेल जो प्रतियोगिताएं लुप्त होती जा रही है, क्योंकि गांवों में मल भी नहीं होते, पहलवान भी अब कम होते जा रहे हैं, क्या कारण है इसका? देखो, ये जो बच्चे खेलते हैं इनका खर्चा होता है पर्सनल रूप से, खुराक की पे इनका बहुत परिवार का खर्चा होता है, इनको नौकरियां मिलनी चाहिए, इनको जो भी है जीत का आते हैं तो पुरस्कार मिलना चाहिए, खेल के मैदान होने चाहिए, तो वो धीरे धीरे कम होते जा रहे और ये इसीलिए लुप्त हो रहे हैं। लेकिन बीजेपी तो नौकरी दे ही नहीं रही, अब जैसे कर्मी तो योद्धाओं को 4 साल की नौकरी कर दी, धीरे धीरे चीजें खत्म होती जा रही। वहीं दंगल में पहुंचे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी की दिल्ली में सरकार है और उनकी सरकार दिल्ली के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दे रही है और वहां पर खेल के मैदान बनाए जा रही है, लेकिन देश की कुर्सी पर बैठी बीजेपी सरकार देश को बेचने में लगी है और आज नौजवान रोजगार के लिए भटक रहा है। आने वाले चुनावी दंगल में देश की जनता बीजेपी सरकार को पटखनी देकर सत्ता से बाहर कर देगी। दिल्ली में मुख्य अतिथि आए, वो थोड़ा अपना तमाम पत्रकारों से बात कर रहे हैं, जो खेल की प्रतिभा रखते हैं लेकिन उनको सपोर्ट नहीं मिलता सरकार की ओर से, लाखों रुपए का सहयोग सरकार वहां पर दे रही है, जो अभी खिलाड़ी तैयारी कर रहे हैं और बाद में वो चल के नेशनल जनता का बहुत सहयोग दंगल की व्यवस्था बनाने में, इसका बहुत ही मजा आनंद दंगल की जनता ने क्षेत्रवासियों में लिया है। अब आपके मध्य में बहुत ही अच्छे पहलवान है और 11,000, 21,000, 51,000 की कुर्सियां आपके मध्य में होंगी, हमेशा रहते हैं और अच्छे गांव अच्छे पहलवानों के हाथ मलवाए जा रहे हैं, पैसे सभी का फल मीठा होता है। तो मतलब आपकी पार्टी क्या, मतलब आपकी पार्टी क्या कदम उठाई जाए जिस तरह से दंगल जो चल रही है वो बड़ी पहलवान और सतपाल पहलवान 11,000 के हाथ मिल चुके, तरीके से टिकैत साहब ने पवन पहलवान और बढ़ रही है महिलाओं और काना। आपको बता दें कि होडल में मुड़काती थाने के पास हर साल की तरह इस बार भी एक विशाल दंगल का आयोजन किया गया है। इस दौरान सरकार की खेल नीति पर भी सवाल खड़े किए गए। होडल से सत्य खबर के लिए हरिओम भारद्वाज की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।